हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी अंधेर का भाग 4। मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गौरा के पास आए और बोले, यह दरोगा बड़ा काफिर है, 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता, अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, मगर वह एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुंह छिपाकर कहा, दादा उनकी जान बच जाए, कोई तरह की आँच ना आने पाए, रुपए पैसे की क्या बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है ना। गोपाल खाट पर पड़ा सब बातें सुन रहा था, अब उससे न रहा गया। लकड़ी गाठी पर टूटती है, जो गुनाह किया नहीं गया वह दबता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपए की कौन कहे, मैं 50 कौड़ियाँ भी न दूंगा, मैंने कसूर क्या किया है। मुखिया का चेहरा फक हो गया, बड़प्पन के स्वर में बोले, धीरे बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था, अकड़ कर बोला, मैं 1 कौड़ी भी न दूंगा, देखे कौन मुझे फांसी लगा देता है। गौरा ने बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा जब मैं तुमसे रुपए मांगूं तो मत देना। यह कहकर गौरा ने, जो इस वक्त लौड़ी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपयों की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पीसकर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन से पहले सरक गए। दरोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि ऐ खुदा इस मरदूद के दिल को पलट। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपए की पोटली दिखाई, 25 रास्ते में ही गायब हो गए थे। दरोगा जी ने खुदा का शुक्र किया, दुआ सुनी गई, रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलबिलाते छोड़कर हवा हो गए। मोदी का गला घूट गया, कसाई के गले पर छुरी फिर गई, तेली पिस गया। मुखिया साहेब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरह से दिए। गांव में सुरखरू हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली, गांव में रात भर यही चर्चा रही। गोपाल बहुत बचा और इसका सहरा मुखिया का सिर था। बड़ी विपत्ति आई थी, वह टल गई। पितरों ने, दीवान हरदौल ने, नीम तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था, देवी की पूजा होना जरूरी थी, सत्यनारायण की कथा भी लाजमी हो गई।